कि अगर आपको परफॉर्म करना है तो जबान पे आपका काबू होना चाहिए, अगर जबान पर काबू नहीं है, अगर आप सिर्फ डायलॉग में उलझ रहे हैं तो आप परफॉर्म नहीं करेंगे, आप सिर्फ डायलॉग में ही उलझे रहेंगे। तो जबान पे काबू, जबान से आशनाई, ये बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हिंदी फिल्मों में काम कर रहे हैं, आप अलग अलग प्रांतों से आए, ये नहीं रहना चाहिए आप किस प्रांत से आए, आप पंजाब से आए हैं, आप बंगाल से आए हैं, आप बंगाल से आए हैं, या किसी साउथ इंडियन सूबे से आए हैं, क्योंकि लहजा जो है वो बिल्कुल हिंदी स्पीकिंग होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें बिहारी कहने पहने, वो नहीं होना चाहिए। या स्लीप ज्वेल ने मेरी बहुत तरीफ की, वो नहीं होना चाहिए। तो आपका जो लहजा है वो बिल्कुल हिंदी स्पीकिंग होना चाहिए, आपको डायलॉग याद होना चाहिए और आपको जबान होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर परफॉर्मेंस में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। ठीक है, वो सब बात की बात है कि हम मेथड एक्टर हैं, हम ये हैं वो हैं, डायलॉग याद नहीं होगा तो क्या मेथड काम आने वाला है, जबान पे काबू नहीं होगा तो मेथड कहां काम आने वाला है। जबान पर काबू और डायलॉग फिर आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, तभी फिर आप जो बारीकी है एक्टिंग की, जो हम बाद में मीनाकारी करते हैं, वो तभी कर सकते हैं जब हमें अच्छी तरह डायलॉग याद है और अच्छी तरह हमें जबान। ठीक है, अच्छा किया आपने, कहीं कहीं पौधे ज्यादा आ गए जो नहीं आने थे, और कहीं कहीं ऐसा लगा कि ये बात लाइन आप याद कर, अगर एटीट्यूड आपका भी बिल्कुल सही है, एटीट्यूड सही है, चेहरे पे आपके थोड़ा चेक कैरेक्टर है, सॉलिड लुक और वेरी सॉलिड कैरेक्टर, अच्छा था। हाँ जी, आप अपने बारे में बताएं, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणजय है, इसका मतलब जंग को जीतने वाला। सर, फिल्म इंडस्ट्री के मैदान में उतरा हूँ जो किसी जंग के मैदान से कम नहीं है, और इरादा सिर्फ और सिर्फ जीतना। आए थे, दे डिड नॉट पे एनीथिंग, इन सब ने टोकन दिया है हमें, और इतनी बड़ी तादाद है, सो रियली आई एडमायर द सिंसियरिटी ऑफ ऑल ऑफ यू। आप इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, यकीनन आपको मैं दिल से आपको मुबारकबाद भी देता हूं और आपकी कदर भी करता हूं। मैं अच्छी बातों की बहुत अच्छी बातों को मैं नोट भी करता हूं और उनकी कदर भी करता हूं कि इतनी बारिश के बावजूद आप फुल स्ट्रेंथ में आए, तो मैं आपके लिए ताली बजाता हूं। स्टॉप कर दो।